नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। वक्त है इंडिया 360 का और खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बरसों से बंद पड़े डांस बार एक बार फिर खुलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में राज्य सरकार के उस कानून पर रोक लगा दी जिसके तहत पाबंदी लगाई गई थी। हालांकि कोर्ट ने अधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि अगर अश्लील डांस होता है तो वो उस पर रोक लगा सकते हैं। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई के रेस्टोरेंट्स और होटलों में एक बार फिर डांस बार खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी पाबंदी हटा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस कानून पर भी रोक लगा दी है जो डांस बार बंद करने के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के बैन का क्वाश करने के बाद भी फिर से वही प्रावधान रीइंट्रोड्यूस किया गया 2014 में, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया और उस पेटिशन पे, हमारी चैलेंज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा। तो यानी कि अब पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। राज्य सरकार बार में डांस पर पहली बार पाबंदी 2005 में कांग्रेस NCP सरकार ने लगाई थी। तर्क था कि इससे अश्लीलता बढ़ेगी। डांस बार पर पाबंदी के बाद 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए थे, इनमें से 70,000 बार गर्ल्स थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था। जून 2014 में कांग्रेस NCP सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस अमेंडमेंट एक्ट 2014 बनाकर पाबंदी फिर लागू कर दी थी। इसके बाद रेस्टोरेंट मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी। बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि जब सरकार ने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ये इंटरिम ऑर्डर दे दिया कि आप इसको इमीडिएट शुरू कीजिए और डांस के ऊपर जो बैन लाया है उसके ऊपर स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी त्रुटियां बताई है उसका अध्ययन करेंगे, उन त्रुटियों को दूर करेंगे। लेकिन राज्य में डांस बार जिस समय चल रहे थे उस समय जिस प्रकार की प्रवृत्तियां हमको दिखाई पड़ी, वो प्रवृत्तियां राज्य में फिर से तैयार न हो, इस बारे में राज्य सरकार सजग रहेगी। महाराष्ट्र में करीब 700 डांस बार हैं। जब से इन पर पाबंदी लगी थी बार गर्ल्स के सामने रोजी का संकट आ गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर डांस बार शुरू हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से मुंबई के डांस बार एक बार फिर से गुलजार हो सकेंगे। डांस बार में अश्लीलता के नाम पर कार्रवाई करने का अधिकार सरकार के पास बरकरार रहेगा, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी सरकार को हिदायत करते हुए कहा है कि रेगुलेशन के नाम पर सरकार पाबंदी ना करने लगे। अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।